गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्ले लाइफस्टाइल ब्लॉग में। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो चलते हैं आज के डेली रूटीन पे। पता नहीं मुझे सरिया कहाँ से पकड़ा है आपने? धूप सेक रहे थे आप? बाबा जी क्या लेते हो आप? दक्षिणा। अच्छा, सबसे बड़ा दान तो भोजन का होता है, हैं? नहीं वो थोड़ी ना, सबसे बड़ा दान ना भोजन का होता है। भोजन करवाओ तो सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। गिरना मत, आप आराम से आओ। फ्रेंड बाबा जी को दक्षिणा दादाजी ने, मेरे ससुर जी ने दे दी थी। और उसके बाद सारा काम निपटा के अपना जानवरों का कपड़े वपड़े धो के, अपना नहा धो के, पूजा लगाने के बाद आ गई हूँ घास काटने। आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहाँ के मंदिर जा रही हूँ। तो वहाँ की मैं दिखाऊँगी, वहाँ एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, एक माँ भगवती का मंदिर। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग माँ भगवती से अपनी मन्नत मांगिएगा, वो ज़रूर पूरी होगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अपने मायके में और इन लोगों के धान वान भी अभी कटे नहीं हैं। तो इन लोगों के धान वैसे ही हैं, हम लोगों का असौज हमने संभाल लिया, लेकिन इन लोगों का असौज कार्तिक लग गया है, अभी तक असौज इनका नहीं संभल रहा है। तो अभी हम चलेंगे मंदिर, अब मैं तुम्हें मिलवाती हूँ अपनी भाभी से। सो फ्रेंड, ये है मेरी भाभी। ये वीडियो में नहीं आना चाहती थी और भैया का फ़ोन आया है तो मैंने इनको ज़बरदस्ती खींच के ले लिया अपनी वीडियो में। तो चलते हैं मंदिर, मंदिर के दर्शन आपको कर पाते हैं। ये देखिए, ये माँ भगवती का मंदिर, बहुत ही शक्तिशाली ये मंदिर माना जाता है और आस्था का केंद्र। आप लोगों की जो भी मनोकामना है आप मांगिए, पूरी जरूर होगी। तो मैं आपको मंदिर के सारे ही दर्शन करा। आपको संसार में, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप कितने से कितनी हाई फाई जगह चले जाओ, जो अच्छा दिल को सुकून मंदिर में मिलता है ना, वो सुख आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं नवरात्रों में आपको माँ भगवती वन देवी का दर्शन कराती हूँ और साथ में शिव जी भगवान का भी दर्शन कराती हूँ। बोलिए हर हर महादेव। अपनी मन्नत एक बार मांग के देखिए, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी, जरूर। और ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं चल देती हूँ अपने घर को। तो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ घर में और सारा काम निपटाने के बाद जानवरों का मैं आ चुकी हूँ धान काटने, क्योंकि दीदी घर में बता रहे हैं धान, तो धान हमने बताए नहीं थे, साफ आप नहीं किए थे, ड्रम में नहीं भरे हैं भी, मतलब ड्रम में भर दिए हैं, कुछ और बचे हैं तो उनको साफ कर।
करना है और उनको दीदी और ईजा साफ कर रहे हैं और मैं गई हूँ घास काटने। इसके बाद घर में जाके शायद दूध दूध लगाना पड़ेगा। लाइट आई होगी तो जब लाइट होती है तभी काम हो पाता है, अगर लाइट नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड मैं जल्दी से काट लेती हूँ घास वास। तो आज मैं गई थी मम्मी के वहाँ, तो मम्मी लोगों भैया लोगों से मैंने आपको किसी को नहीं मिलाया क्योंकि मैं जल्दीबाजी में थी। तो ग्लोई वगैरह देने गई थी मैं, मम्मी को फीवर हो रहा है। तो अब मैं जब दोबारा जाऊँगी तो सब लोगों से आपको ज़रूर मिलाऊँगी। तो भाभी तो मेरी थोड़ा बाहर आ गई थी, वो उनको कहीं जाना था तो इस वजह से मैंने उनको ले लिया था। और भी जल्दीबाजी में थी, मैं अगले ब्लॉग में आपको मिलाऊँगी ज़रूर सब लोगों से, अपनी फैमिली मम्मी लोगों से ज़रूर मिलाऊँगी आप लोगों को। सो फ्रेंड मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, पता नहीं घर जाके आज क्या ही डिमांड आई होगी मेरे बेटे की। तो थोड़ा सा तो मैं जल्दी से अपने काम को निपटा लेती हूँ। सो फ्रेंड मैं खेत से आके दूध दूध दीदी ने लगाया, तो उसके बाद मैं ने कट करी सब्जी, सब्जी वब्जी बनाने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का ब्लॉग। माँ भगवती वंदनी बिंदु खत्ता जो क्रिया खत्ता में है, मैंने उस माता रानी के आपके आप लोगों को दर्शन करवाए। सो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।